हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो इनफ्लोरेसेंस वगैरह या प्लांटेशन को लेकर जो टॉपिक थे, तो उनके आगे फैमिलीज वगैरह के क्वेश्चंस हैं। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू अभी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, जो ग्राम होते हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे जो ये चने वगैरह हैं, तो ये ग्राम जो हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करती हैं, ग्रामिनी फैमिली से, पेपिलोनेसी से, कंपोजिट से या सोलेनेसी फैमिली से। तो जो ग्राम होते हैं ये पेपिलोनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन टू आनी है, पेपिलोनेसी। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टिल्ट रूट आर फाउंड इन, स्टिल्ट रूट जो होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो स्टिल्ट रूट राइस में होती हैं, शुगर केन में, ग्राउंडनट में, के ग्राम में होती है। स्टिल्ट रूट क्या होती है, जो स्टेम के नोड इंटर नोड में जो वो होती हैं, जो रूट्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो स्टिल्ट रूट किस में होती हैं, राइस में, शुगर केन में, ग्राउंडनट में, के ग्राम में। तो ये शुगर केन हो या मेज हो, उनमें ये स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं, तो ऑप्शन बी आ जानी है। थर्ड क्वेश्चन है, द फाइबरस अ फाइबरस रूट सिस्टम इज़ बेटर एडेप्टेड दैन द टैप रूट सिस्टम फॉर, कि जो फाइबरस रूट सिस्टम होता है वो ज़्यादा बेटर जो फॉर्म में अडेप्ट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू टैप रूट, कि टैप रूट इतना ज़्यादा अडेप्ट नहीं करता जितना फाइबरस रूट सिस्टम करता है। क्या रीज़न क्या है, फूड स्टोर करता है फाइबरस रूट सिस्टम ज़्यादा, कि एनकरेज ऑफ द प्लांट टू सॉयल या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल और ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड ऑर्गेनिक, इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, एनकरेज ऑफ प्लांट टू सॉयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन रूट हेयर, रूट हेयर जो होते हैं उनमें क्या एबसेंट होता है, क्या चीज़ ऐसी है जो रूट हेयर में प्रेजेंट नहीं होती। अभी जैसे ये रूट है मान लो, ठीक है ये रूट है, तो रूट हेयर इस तरह से आसपास बहुत सारी होती हैं, ठीक है बहुत सारे रूट हेयर इस तरह से फैले होते हैं आगे, तो रूट हेयर में क्या चीज़ नहीं है, एबसेंट क्या है। सेल वॉल एबसेंट होती है, वैक्यूल एबसेंट होता है, न्यूक्लियस एबसेंट होता है, कि क्लोरोप्लास्ट। तो जो रूट हेयर होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए फोर्थ की ऑप्शन डी आ जानी है, कि क्लोरोप्लास्ट नहीं इनमें होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए। तो फिर है कि क्लाइंबिंग रूट्स आर प्रेजेंट इन, जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं, क्लाइंबिंग रूट्स वो किस में प्रेजेंट होती हैं, लोरेंथस में, कुरकुमा अमाडा में, रोज़ में या पाइपर बैटल में। तो जो क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं ये पाइपर बैटल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ऑप्शन आनी है फिफ्थ की ऑप्शन डी, जो पाइपर बैटल होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इपोमिया बटाटास, जिसको हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, फूड इज़ अ स्टोर इन, ये जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें फूड किस पार्ट के अंदर स्टोर होता है, किस पार्ट में फूड स्टोर होता है, रूट ट्यूबर फॉर्म में, स्टेम ट्यूबर फॉर्म में, बड में, के लीव्स में। तो जो स्वीट पोटैटो होती है उसके रूट ट्यूबर में जो फूड होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन ए आ जानी है, रूट ट्यूबर में फूड स्वीट पोटैटो में स्टोर होता है फूड। तो फिर है क्लिंगिंग एंड द एपिफाइट्स रूट आर फाउंड इन, जो क्लिंगिंग या एपिफाइट रूट्स होती हैं क्लिंग करने के लिए, तो ये रूट्स किस में पाई जाती हैं, ऑर्किड में, टिनोस्पोरा में, राइजोफोरा में या पोथोस में। तो जो क्लिंगिंग या एपिफाइट रूट्स होती हैं ये ऑर्किड में पाई जाती हैं, ठीक है ऑप्शन ए आ जानी है। फिलेटेड रूट्स बियरिंग फैमिली इज, के कौन से प्लांट, कौन सी फैमिली होती है जिसके जो प्लांट होते हैं उसके रूट्स नोड्यूल होती हैं, नोड्यूल्स वाली होती है, नोड्यूलस यानी कि रूट में इस तरह से नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, कौन सी फैमिली के प्लांट ऐसे होते हैं, हमने फैमिली बतानी है। मिमोसिडे, कैजिफेर, कैजल पिनिडे, सी ऑप्शन है पेपिलोनिडे, और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन सोलेनेसी। तो इसकी ऑप्शन आनी ऑप्शन सी, जो पेपिलोनिडे फैमिली होती है उसके जो प्लांट्स होते हैं वो नोड्यूल वाले होते हैं, मतलब रूट्स जो प्लांट के होते हैं वो नोड्यूलेटेड होती है, नोड्यूल्स वाली होती हैं। फिर है नाइन्थ क्वेश्चन, विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डजेंट स्टोर फूड, के कौन से ऐसे प्लांट की रूट्स मॉडिफाई होती हैं जो कि फूड स्टोर नहीं कर सकती, इनकी रूट मॉडिफिकेशन ऐसी है जो कि फूड को स्टोर नहीं कर पाएंगे अपने अंदर। ट्यूबरस रूट, नेपिफॉर्म रूट्स, कोनियल रूट्स या स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट ऐसी होती हैं
मॉडिफिकेशन इनकी कि ये फूड को स्टोर नहीं कर पाती अपने अंदर, तो 9th की ऑप्शन डी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलेमियस के जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, वैसे तो जैसे ये प्लांट होते हैं उसकी ये रूट्स हैं, तो प्लांट में इस तरह से ब्रांचेस और आगे लीव्स वगैरह देन फ्लावर ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, तो पर कहते जो स्टेम जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, ठीक है, स्टेम जो होती हैं वो अंडरग्राउंड होती हैं, उनसे आगे इस तरह से प्लांट बनते हैं, तो ये कौन से हैं, कॉम, फाइलोक्लेट, राइजोम के राइजोइड होते हैं, तो 10th की ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइजोम होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, ठीक है, राइजोम, जैसे कि जिंजर वगैरह वो उसमें अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है, राइजोम वगैरह में, ऑप्शन सी आ जानी है 10th की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग कि जो नीचे दिए हुई हैं इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, तो जो नीचे हमें बताई हुई ऑप्शंस उनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, मतलब जिसकी स्टेम मॉडिफाई नहीं हुई है, राइजोम इन जिंजर, कॉम ऑफ कोलोकेसिया, पिक्चर ऑफ नेपेंथस और ट्यूबर ऑफ पोटैटो, जो राइजोम, कॉम और ट्यूबर वाले होते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन वाले होते हैं, तो नेपेंथस जो है पिक्चर ऑफ नेपेंथस, तो ये स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी आ जानी है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट वगैरह ऐसे होते हैं मेनली। 12th क्वेश्चन है इन ओपंशिया द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय क्लेडोड, फाइलोक्लेड, फिर है फाइलोड और 4th ऑप्शन है बल्ब, तो ओपंशिया में फोटोसिंथेसिस के लिए अभी फाइलोक्लेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाइलोक्लेड क्या होते हैं कि जैसे जो लीव्स नहीं होती, ठीक है, ओपंशिया में लीव्स नहीं होती हैं, तो जो स्टेम होती है वही लीव्स की एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है, ठीक है, तो 12th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलेंट स्टेम इज़ फाउंड इन, सकलेंट स्टेम जो होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, पाइसम में, कैजोरिना में, ऑक्सालिस में, कि यूफोर्बिया में पाई जाती हैं, तो जो सकलेंट स्टेम्स होती हैं ये यूफोर्बिया में पाई जाती हैं, ठीक है, यूफोर्बिया में ये पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी आ जानी है। फिर है 14th क्वेश्चन है स्ट्रक्चर विच कंटेन द वास्कुलर बंडल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड, कि वो स्ट्रक्चर जिसमें कि वास्कुलर बंडल भी है और स्टेम की मॉडिफिकेशन भी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है ब्रिसल्स, फिर है ऑप्शन बी थॉर्न, ऑप्शन सी है प्रिकल, फिर है स्पाइन, तो स्टेम में मॉडिफिकेशन और वास्कुलर बंडल होना दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो ये होती हैं थॉर्न के अंदर, ठीक है, थॉर्न कांटे जो होते हैं ना तो वो स्टेम मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन से थॉर्न बनते हैं और इनके अंदर वास्कुलर बंडल भी प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन 14th की आनी है ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है रेटिकुलेट विनेशन इज़ कॉमनली फाउंड इन लीव्स ऑफ, कि जो रेटिकुलेट विनेशन है वो किसकी लीव्स में पाई जाती हैं, तो जैसे लीव्स में इस तरह से जो होती है ये पैरलर विनेशन है, ठीक है, जो इस तरह से होती है ये रेटिकुलेट विनेशन होती है, तो कहते हैं जो रेटिकुलेट विनेशन है ये किसकी लीव्स में होती है, मोनोकोट प्लांट, डाइकोट प्लांट, ब्रायोफाइट्स के थैलोफाइट्स में होती है, तो जो रेटिकुलेट विनेशन है ये डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है, 15 की ऑप्शन बी आ जानी है, ठीक है, कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनमें ज़्यादातर रेटिकुलेट विनेशन ही होती है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि अभी रोज़ वगैरह हो गया है ना, ये सारे डाइकोट प्लांट हैं या फ्रूट प्लांट हो गए, तो इनमें मैक्सिमम में क्या होती है, रेटिकुलेट विनेशन ही होती है, ठीक है। फिर है 16th क्वेश्चन मॉडिफाइड स्टेम प्रेजेंट इन ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस जो है उसकी मॉडिफाइड स्टेम किस में प्रेजेंट होती है, 16th क्वेश्चन है मॉडिफाइड स्टेम प्रेजेंट इन ग्लैडियोलस इज़, कि ग्लैडियोलस में जो मॉडिफाइड स्टेम है वो किस फॉर्म में होती है, बल्ब, राइजोम, कॉम या बल्बिल्स फॉर्म में होती है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कॉम में होती है, ठीक है, कि जो ग्लैडियोलस होते हैं उनकी स्टेम मॉडिफिकेशन करके कॉम फॉर्म में जाती है, ठीक है, कॉम आ जानी है ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन है करैक्टरिस्टिक इनफ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली एस्ट्रेसी, यानी कि सनफ्लावर इज, ठीक है, कि सनफ्लावर वाली जो फैमिली है उसकी करैक्टरिस्टिक इनफ्लोरेसेंस कैसी होती है, कैपिचुलम, काइमोज हेड होता है, कैटकिन होती है, कि स्पैडिक्स होती है इसकी, तो ये होती है कैपिचुलम जो है उस फॉर्म में होती है ये, ठीक है, मैरीगोल्ड हो गए या सनफ्लावर वगैरह के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे ससाइल फ्लावर पाए जाते हैं, ठीक है, और
डेंस इनफ्लोरसेंस फॉर्म में होते हैं, मतलब काफ़ी इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है, इसमें जो कैपिचुलम होती है, ठीक है, स्किन फ्लोरसेंस, तो हम ए ऑप्शन रख रहे हैं इसकी। 18th क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब 17th क्वेश्चन ही फिर से रिपीट होकर 18 की फॉर्म में है। तो फिर से वही है कि एस्ट्रेसी सनफ्लावर फैमिली की इनफ्लोरसेंस कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ऑप्शन ए कैपिचुलम, ठीक है। उसके बाद है साइंथम फ्लावर इनफ्लोरसेंस, जो साइंथम इनफ्लोरसेंस होती है इसमें क्या होता है, सिंगल मेल फ्लावर होता है जिसके आसपास कई सारे फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है, मतलब एक मेल फ्लावर एक है उसके आसपास कई सारे फीमेल फ्लावर हैं इस तरह से, ठीक है, डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। तो ये है कि मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे होते हैं, कि इसमें एक मेल और एक ही फीमेल फ्लावर होता है साइंथम इनफ्लोरसेंस में। फोर्थ ऑप्शन है कि जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जो है वो सिंगल है, उसके आसपास कई सारे मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है, कई सारे मेल फ्लावर पाए जाते हैं। तो इसकी ऑप्शन ऑप्शन आएगी डी ऑप्शन, ठीक है, कि जो साइंथियम होता है इसमें एक ही जो फीमेल फ्लावर है वो पाया जाता है और उसके आसपास कई सारे जो मेल फ्लावर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी 19th की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंट या कैटकिन जिसको बोलते हैं इनफ्लोरसेंस, तो किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो कैटकिन इनफ्लोरसेंस होती कौन सी है जिसमें कि पेंडुलस जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे ये मेन स्टेम थी उसके साथ इस तरह से पेंडुलम जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है, इस तरह से पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं कैटकिन इनफ्लोरसेंस। तो किसमें होती है, मलबरी मॉरस में, पॉपुलस पॉपुलर में, एकालिफा कैट्स टेल में, या ऑल ऑफ अबव, तो सभी में पाई जाती है ये, ठीक है। इसकी ऑप्शन जो है कैटकिन इनफ्लोरसेंस किसमें पाई जाती है, ये सभी में कैटकिन इनफ्लोरसेंस पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। उसके बाद है 21st क्वेश्चन, द फ्लावर्स इन द रेसमोस या रेसीम आर अरेंज्ड इन, कि जो रेसीम या रेसमोस इनफ्लोरसेंस होती है उसमें फ्लावर किस फॉर्म में अरेंज होते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं, जो इनफ्लोरसेंस होती है वो रेसमोस और काइमोस होती है, ठीक है। जो तो ये रेसमोस होती है इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो मतलब फ्लावर वगैरह इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो आगे आगे इस तरह से ग्रोथ होती रहती है स्टेम में, आगे आगे फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो ग्रो करते रहते हैं। तो यंग फ्लावर जो हैं वो टिप्स पे पाए जाते हैं और ओल्ड फ्लावर साइड्स पे पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है, इसको हम बोलते हैं रेसमोस। यहाँ पे टर्मिनल फ्लावर बन जाता है, यंग फ्लावर इस तरह से ग्रो करते हैं आसपास, ठीक है, यंग फ्लावर इधर और मेन फ्लावर स्टेम पे टिप पे ही होता है, ठीक है, आगे ग्रोथ नहीं होने देता। तो साइड्स पे यंग फ्लावर होते हैं वो काइमोस होती है। तो रेसमोस किस में फ्लावर किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल, बेसिपेटल, सेंट्रिपेटल या सेंट्रीफ्यूगली अरेंज होते हैं। तो इसमें होते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन में, जैसे हमने कहा ना कि यंग फ्लावर इस तरह से ये ओल्ड फ्लावर होते हैं, ठीक है, यंग फ्लावर आगे आगे करके इस तरह से ग्रो करते रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। तो 21 की ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द चाइना रोज इनफ्लोरसेंस इज, चाइना रोज में इनफ्लोरसेंस कैसी होती है, काइमोज होती है, कैपिचुलम होती है, रेसमोज होती है, या सॉलिटरी काइम होती है, ठीक है, काइमोज सॉलिटरी काइम वाली होती है। तो 22 की ऑप्शन आ जानी है ऑप्शन डी, सॉलिटरी काइम होती है इसमें, ठीक है। तो 22 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, सॉलिटरी काइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफ्लोरसेंस इन कॉलीफ्लावर इज, कि जो कॉलीफ्लावर होती है, ठीक है, तो उसमें इनफ्लोरसेंस जो है वो क्या है, कंपाउंड कॉरियम है, कॉरियम है, अम्बेल है, या कैटकिन इनफ्लोरसेंस पाई जाती है। तो इसमें कंपाउंड कॉरियम पाई जाती है कॉलीफ्लावर की इनफ्लोरसेंस। 24th क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, जो हाइपेंथोडियम होता है ये स्पेशल टाइप का क्या है अभी, ठीक है, थैलमस होता है, ओवरी होती है, फ्रूट होता है, कि जो इनफ्लोरसेंस है ये वो होती है। तो जो हाइपेंथोडियम होता है इसमें असल में क्या होता है कि जो मतलब रिसेप्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो अंदर से खाली होते हैं और पियर शेप के होते हैं, तो इसमें
मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डेवलप हो जाते हैं, मेल फ्लावर इसके माउथ साइड पे और फीमेल फ्लावर इसकी जो कैविटी वाली साइड होती है बेस में, तो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हाइपेंथोडियम है ये असल में जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये है इन्फ्लोरसेंस का, तो इन्फ्लोरसेंस है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी आ जानी है इसमें। फीकस इसकी हाइपेंथोडियम की स्पेशल इन्फ्लोरसेंस जो है वो किस में होती है, फीकस में पाई जाती है, तो ऐसा क्वेश्चन मास्टर केडर में पहले आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, की कॉलीफ्लावर जो होती है, जो फूल गोभी होती है, इसका जो एडिबल पार्ट है, हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, कॉटिलेडन, एंडोस्पर्म की इन्फ्लोरसेंस लेते हैं, तो हम इन्फ्लोरसेंस को एडिबल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। 25th की डी आ जानी है। काइमोज इन्फ्लोरसेंस इज प्रेजेंट इन, काइमोज इन्फ्लोरसेंस किस में प्रेजेंट होती है, सोलेनम, डेजोएनिया, ट्राइफोलियम और ब्रासिका। तो जो काइमोज इन्फ्लोरसेंस होती है वो सोलेनम में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए सोलेनम। इन्फ्लोरसेंस विद द यूनिसेक्सुअल ससाइल फ्लावर, कि वो इन्फ्लोरसेंस जिसमें कि यूनिसेक्सुअल ससाइल फ्लावर प्रेजेंट होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइक, स्पिकलेट, कैटकिन बोलते हैं, कि इसको स्पैडिक्स कहा जाता है, तो इसको कैटकिन बोल देते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल हैं, कौन से फ्लावर हैं, ससाइल फ्लावर हैं, मतलब इसमें वो अटैच नहीं होगा, मतलब वो प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे पेडिसल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, तो सीधे ये इस तरह से अटैच होते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी कैटकिन होती है 27th की। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, इन्फ्लोरसेंस इज द एडिबल इन ब्रासिका ऑलरेसिया, देखो अभी पढ़ा ब्रासिका का जो इन्फ्लोरसेंस है एडिबल वाली पार्ट की, ठीक है, वो ब्रासिका में होती है ना, इन्फ्लोरसेंस जो कि एडिबल है वो ब्रासिका वाली है। ठीक है, तो भी क्या क्या ऑप्शंस बताई हुई हैं, ऑप्शन ए बोट्रिटिस, बी है कैपिटेट, सी है गॉनग्लायोडियस और ऑप्शन डी है गैमिफेरा। तो जो इन्फ्लोरसेंस एडिबल वाली है वो हमारी है ये वाली, ठीक है, बोट्रिटिस वाली है, तो ऑप्शन ए आ जानी है। फिर है 29th क्वेश्चन, टू फैमिलीज दैट डोमिनेट इन हैविंग द मैक्सिमम यूजफुल प्लांट, कौन सी दो ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा यूजफुल प्लांट जो हैं वो पाए जाते हैं, तो फेबिएसी और पोएसी फैमिली में, लिलियसी और सोलेनेसी फैमिली में, मालवेसी और ब्रासिकेसी में, या लिलियसी और पोएसी फैमिली में। तो जो दो फैमिलीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं, तो वो फैबिएसी और पोएसी फैमिली के होते हैं। ठीक है, तो जो तो ये फैबिएसी फैमिली है, इसमें ज़्यादातर हर्ब्स आ जाती हैं। पोएसी फैमिली जो होती है इसमें जैसे हम बार्ले, मीन्स ओट वगैरह या राइस वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये जो हैं ये पोएसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो फैबिएसी पोएसी फैमिली सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, ऑप्शन ए आ गई। 30th क्वेश्चन है, फ्लावर्स ऑफ लिलियसी, मालवेसी और सोलेनेसी इज़, कि जो सोलेनेसी, मालवेसी या लिलियसी फ्लावर होते हैं इसके, इनके, तो वो कैसे फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस के एम्फीगाइनस होते हैं, तो इस फैमिलीज़ के फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। ठीक है, हाइपोगाइनस हमने क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब कि जैसे सेपल्स, पेटल्स या स्टेमन्स, स्टेमन वगैरह जो हैं वो ओवरी के नीचे है, मतलब इस तरह से नीचे ही सारा कुछ पाया जाता है, उसके ऊपर फिर ऐसे ओवरी जो है सुपीरियर फॉर्म में इस तरह से ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और जो स्टेमन वगैरह इस तरह से हैं वो यहाँ पे इस तरह से ऐसे अटैच होते हैं, तो ऑप्शन इसकी आनी है ऑप्शन ए हाइपोगाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ग्राम इज़, जो रेड ग्राम है उनका साइंटिफिक नेम क्या है, फेजोलस ऑरियस, साइसर एरियंटियम, केजानस केजान और फेजोलस मंगो, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी केजानस केजान बोलते हैं, रेड ग्राम को क्या बोलते हैं, केजानस केजान। ठीक है, जो फेजियोलस होता है, फेजियोलस ऑरियस होता है, ये जो मूंगी वाली दाल होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है, ये फेबिएसी फैमिली से होती है। ये जो साइसर एरियनिटम एरियंटियम होते हैं, ये चिकपी को कहते हैं। ठीक है, चिकपी को बोलते हैं, ये भी फेबिएसी फैमिली है। केजानस केजान का रेड ग्राम होता है, और जो फेजियोलस मंगो होते हैं ये ब्लैक ग्राम को कहा जाता है। ठीक है, जो
अरहर जैसी दाल होती है तो उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन इसकी आनी है ऑप्शन सी 31st की। 32nd क्वेश्चन है, पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम, पल्सेस हमें कहाँ से मिलती हैं? तो फैबियसी से मिलती हैं, एस्ट्रेसी फैमिली से मिलती हैं, पॉयसी या सॉलेनेसी फैमिली से मिलती हैं। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, फैबियसी फैमिली से मिलती हैं, कि जो पल्स हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट से मिलती हैं, लेग्यूम फैमिली से मिलती हैं। तो लेग्यूमिनोसी या फैबियसी एक चीज़ है, ठीक है, तो एक ही है, तो फैबेसी आ जाना है इसका ऑप्शन ए। 33rd क्वेश्चन है, धतूरा बिलोंग्स टू द फैमिली, धतूरा किस फैमिली से बिलोंग करता है? कंपोजिट, लैबिट्री, लैबिएट, मालवेसी या सोलेनेसी फैमिली से। तो जो धतूरा है ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इनफ्लोरसेंस इज फाउंड इन, कि सबसे लार्जेस्ट इनफ्लोरसेंस किस में पाई जाती है? एकेलिफा में, पॉपुलस में, अमॉर्फोफेलस में या ब्रासिका में पाई जाती है? तो लार्जेस्ट इनफ्लोरसेंस का बताना है, लार्जेस्ट इनफ्लोरसेंस होती है अमॉर्फोफेलस में। तो अमॉर्फोफेलस में जो असल में इनफ्लोरसेंस होती है सिंपल स्पैडिक्स फॉर्म में होती है, ठीक है। तो स्पैडिक्स फॉर्म अभी जो है ये बनाना मीज वगैरह होते हैं ना, वो इसमें आ जाते हैं। तो इसकी ऑप्शन सी आ जानी है। इनफ्लोरसेंस इन सोलेनेसी इज, सोलेनेसी फैमिली की इनफ्लोरसेंस कैसी है ये पहले भी क्या है, रेसमोस, काइमोस, हाइपेंथोडियम है कि वर्टिकल सिलास्टर है, तो इसमें होती है काइमोस होती है। तो ऑप्शन इसकी आ जानी है ऑप्शन बी, काइमोस। 36th क्वेश्चन है, स्कटलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ, स्कटलम किसकी फर्स्ट लीफ होती है? जैसे हम स्कटलम पढ़ते हैं ना, स्कटलम कुछ मतलब ऐसे करके कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली लीफ किसकी होती है? जिम्नोस्पर्म की, डाइकोट्स की, मोनोकोट की टेरिडोफाइट की? तो ये होती है, जो स्कटलम होता है वो अलग पार्ट बनता है मोनोकोट में, ठीक है। इसलिए 36 की ऑप्शन सी आ जानी है कि जो मोनोकोट होते हैं, ठीक है, मोनोकोट प्लांट, तो उनमें इस तरह से क्या होते हैं, स्कटलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्कटलम, कॉलोप्टाइल, कॉलोराइजा, यहाँ पे कॉलोप्टाइल होता है, यहाँ पे कॉलोराइजा, शूट एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे रूट जो पार्ट निकलता है उसके नीचे कॉलोराइजा आ जाता है जैसे, ठीक है। तो स्कटलम फर्स्ट लीफ किसकी है? मोनोकोट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस रूट्स आर फाउंड इन, जो फोटोसिंथेटिक रूट्स होती हैं वो रूट्स जो खुद फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, तो वो किस में पाई जाती है? कस्कुटा, लोरेंथस में, टिनोस्पोरा में, के फीकस में पाई जाती हैं? तो ये होती हैं टिनोस्पोरा में, ठीक है। टिनोस्पोरा जो है इसमें फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती हैं। ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, रूट जो है क्लोरोफिलस होती हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, इन द मोनोकोट सीड द कॉलोराइजा कवर्स द, कि मोनोकोट सीड में कॉलोप्टाइल और कॉलोराइजा भी किया हमने, कॉलोप्टाइल जो होता है वो ऊपर और कॉलोराइजा नीचे वाले पार्ट में इस तरह से होता है, ठीक है। तो अभी कहते हैं ये कॉलोराइजा किस पार्ट को कवर करता है? एंडोस्पर्म को, स्कटलम को, रूट अपेक्स को, शूट अपेक्स को, स्टेम अपेक्स को, के रूट अपेक्स को करता है? तो ये करता है नीचे, रूट अपेक्स को करता है, इसलिए ऑप्शन आ जानी है 38th की ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, द एक्टिव ग्रोइंग रीजन इन द डाइकॉट एम्ब्रियो विच फॉर्म द शूट, कि कौन सा डाइकॉट एम्ब्रियो में कौन सा ऐसा एक्टिव रीजन होता है, ग्रोइंग रीजन, जो कि आगे शूट बनाता है? एपिकोटाइल, कॉटिलेडन, कॉलोप्टाइल या प्लूम्यूल? तो जो डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, ठीक है, मोनोकोट में तो जैसे स्कटलम अलग से बनता है और कॉलोप्टाइल और कॉलोराइजा होता है, इसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कहते कौन सा ऐसा पार्ट है जो शूट फॉर्म करने में हेल्प करता है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, प्लूम्यूल करता है, ठीक है। तो प्लूम्यूल जो है उसको ऊपर से, प्लूम्यूल से शूट निकलती है आगे, तो उसको कवर करने वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल, ठीक है, और नीचे रूट को कवर करने वाला पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। रूट कहाँ से निकलती है? रेडिकल से, ठीक है। तो शूट का पूछा इसलिए प्लूम्यूल आ जानी है ऑप्शन डी। 40th क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये किन में पाए जाते हैं? तो न्यूमेटोफोर्स असल में जैसे जो मार्शी एरिया होता है, मतलब मर्ड वाला, जहाँ पे कीचड़ वगैरह होता है,
दलदल वाला एरिया या जो सलाइन एरिया होता है, सलाइन पार्ट, वहाँ पे ये न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं ज़मीन के, मतलब सॉइल के ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से निकल आते हैं। तो न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं? वेजिटेशन विच फाउंड इन द मार्शी और सलाइन लेक, ठीक है, वेजिटेशन फाउंड इन अकेली सलाइन सॉइल, वो भी सलाइन सॉयल कहा हुआ है, ठीक है, अकेले। फिर एपीफाइट, ज़ीरोफाइट और एपीफाइट, तो ये न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं मार्शी और सलाइन एरिया में। इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए। 41st क्वेश्चन है, इनफ्लोरसेंस इन सोलेनेसी, सोलेनेसी की इनफ्लोरसेंस क्या है? रेसमोस, काइमोस, हाइपेंथोडियम या वर्टिक सिलास्टर। तो ये पहले भी किया भी क्वेश्चन कि जो सोलेनेसी फैमिली की इन्फ्लोरसेंस होती है काइमोस होती है, ठीक है। तो दो बार रिपीट हो के आ चुके हैं पर उनके आंसर सेम है। तो सोलेनेसी फैमिली की इन्फ्लोरसेंस कौन सी है? इसकी इन्फ्लोरसेंस है काइमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंथम एंड हुकर क्लासीफाइड द डाइकॉट इनटू, कि जो बैंथम और हुकर साइंटिस्ट थे इन्होंने डाइकॉट रूट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया था? तीन पार्ट में किया था, कौन कौन से थे? तो ऑप्शन ए है पॉलीपैटले, गैमोपैटले और ग्लूमीफ्लोरी। ऑप्शन बी है पॉलीपैटले, गैमोपैटले और मोनोक्लेमाइडी। सी ऑप्शन है एक्लेमाइडी, डाइक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। डी ऑप्शन है आर्किक्लेमाइडी, सिम्पैटले और एप्टले। तो जो बैंथम और हुकर था उसने रूट्स को क्लासिफाई किया था ये पार्ट्स में, ऑप्शन बी में पॉलीपैटले, गैमोपैटले और मोनोक्लेमाइडे, ठीक है, ऑप्शन बी आ जानी है। 43rd क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर बिकॉज, कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेग्यूम प्लांट क्यों? डिसीज़ रेजिस्टेंट होते हैं ये मतलब बहुत कम ही इनको इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, या जो 21 साल में ये प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल्स होते हैं, वो नोड्यूल्स में बैक्टीरिया वगैरह नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इन ओल्डर वुडी टिश्यूज़ कैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रो, ये जो पुरानी वुडी टिश्यूज़ होती हैं पुराने, उनमें गैशियस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? लेंटिसल, हाइडेथॉइड, स्टोमेटा और एरेनकाइमा। तो जो वुडी टिश्यूज़ होते हैं इनमें होता है लेंटिसल के थ्रू, ठीक है। जो तो लेंटिसल होते हैं, जैसे स्टेम में लेंटिसल्स वगैरह स्पीसीज होती हैं, तो वो स्पीसीज जो होती हैं इनके थ्रू ही गैशियस एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो ओल्ड वुडी टिश्यूज़ भी लेंटिसल के थ्रू होता है, जो नीचे वाले पार्ट्स रूट्स के थ्रू भी होती है वैसे तो गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। इसके अलावा तो स्टोमेटा वगैरह तो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, है ना। तो इसकी ऑप्शन आनी है 44th की ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट, के जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, रूट के एपिकल मेरिस्टेम वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सिर्फ रेडिकल में होते हैं, सिर्फ टैप रूट में है, सिर्फ एडवेंचियस रूट में होते हैं, कि सारे में होते हैं, सारे रूट्स में होते हैं? तो जो रूट के एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये सभी पार्ट्स में प्रेजेंट, सभी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमिक टिश्यू होते हैं ये ऑर्गन्स फॉर्म करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। तो जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो लीफ वगैरह बना देता है, लीफ या फ्लावर, और जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है वो आगे रूट बना देता है। तो ऑप्शन डी आ जानी है 45th की। 46th क्वेश्चन है, एपिकल मेरिस्ट, सॉरी 46th क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है, तो ये बनाते टाइम दोबारा से रिपीट हो गया, तो इसकी फिर से ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ठीक है 46th की। 47th क्वेश्चन है, ट्रांजिशन ऑफ द एग्जार्क बंडल ऑफ द रूट टू एंड डार्क बंडल ऑफ द स्टेम अकर्स इन, कि जो ट्रांजिशन होती है एग्जार्क बंडल, रूट के एग्जार्क बंडल से स्टेम के एंड डार्क बंडल में जो ट्रांजिशन होती है किस में होती है? एपिकोटाइल में, हाइपोकोटाइल में, एपिकल बर्ड में, कि कॉलियोपटाइल में होती है? तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, हाइपोकोटाइल। देखो जो हाइपोकोटाइल होता है ये सीलिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना एपिकोटाइल होता है और हाइपोकोटाइल ऊपर वाला यहाँ पे और नीचे वाला रूट के पास वाला। तो हाइपोकोटाइल रीजन सीडलिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ पे सीड्स वगैरह आगे मतलब डेवलप होकर जर्मिनेट वगैरह करती हैं। तो कहते इसमें जो सीडलिंग वाला जो पार्ट होता है ट्रांजिशन पॉइंट के ऊपर, तो उस वो होता है एंडार्क,
ठीक है, वो क्या होता है, एंडार्क पार्ट होता है। और जो तो ये पार्ट होता है ट्रांजिशन पॉइंट के नीचे वाला पार्ट, वो रेडिकल पार्ट है। तो रेडिकल पार्ट जो है ये होता है एग्जॉक वास्कुलर बंडल, ठीक है। तो इनमें जो ट्रांजिशन है अभी, ठीक है, तो वो कहाँ से होती है, इस हाइपोकोटाइल पार्ट से ही होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आनी है इसकी। फिर है 48th क्वेश्चन, न्यूमैटोफोर्स टेक पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो न्यूमैटोफोर किस काम आते हैं, क्या फंक्शन है न्यूमैटोफोर्स का, हमने पढ़ा कि ये जो मार्शी एरिया और सलाइन एरिया होता है वहाँ पे ये न्यूमैटोफोर्स पाए जाते हैं। तो न्यूमैटोफोर्स जो होते हैं ये वो करते हैं रेस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन करने का काम होता है इनका। 49th क्वेश्चन है, नंबर ऑफ द फीमेल फ्लावर इन द साइंथियम इनफ्लोरसेंस इज, के जो साइंथियम इनफ्लोरसेंस हमने पढ़ी जिसमें कि एक फीमेल फ्लावर होता है और उसके आसपास कई सारे मेल फ्लावर होते हैं इस तरह से। तो उन्होंने वही पूछा कि फीमेल फ्लावर कितने हैं, 1, 2, 3 के कई सारे हैं। तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। तो 49th की ऑप्शन हमारी आ जानी है ऑप्शन ए, ओल्ड ऑयल ईडिंग। यहाँ पे क्या है, ऑयल ईडिंग लेग्यूम इज, के वो लेग्यूम जो कि जिससे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, तो वो कौन सी है, कार्थिमस, ग्लाइसिनमैक्स, रिसिनस और विग्नासिनेसिस। तो लेग्यूम बताना है, लेग्यूम जो है, ठीक है, वो है ग्लाइसिनमैक्स, ठीक है। वैसे तो रिसिनस वाला भी है जैसे कैस्टर ऑयल वगैरह इससे मिलता है, पर हमें लेग्यूम पूछा है, ऑयल ईल्डिंग लेग्यूम मेन कौन सा है, ये ग्लाइसिनमैक्स है, ठीक है। ग्लाइसिनमैक्स हम किसको बोलते हैं, सोयाबीन को, ठीक है, सोयाबीन को बोल देते हैं। तो ये ऑप्शन बी ले रहे हैं। फिर है, प्लांट विच ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, वो प्लांट जो कि दिन के टाइम पे बंद होता है और रात के टाइम पे वो ओपन हो जाता है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नाइट क्वीन, टच मी नॉट, वेलिसनेरिया के जैस्मिन, जिसको बोलते हैं नाइट क्वीन, ठीक है। नाइट क्वीन का जो नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है कैस्ट्रम नॉक्टर्नम, ठीक है। ये आई थिंक लेक्चरर केडर वाला जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि कौन सा प्लांट जो है वो दिन के टाइम पे बंद और रात के टाइम पे ओपन रहता है, तो रात के टाइम पे ओपन रहता है, ठीक है। ये नॉकटर्नम का मतलब ही नाइट टाइम होता है, ठीक है। तो नाइट क्वीन जो है नॉकटर्नम वाला, सेंट्रम नॉकटर्नम, ये रात के टाइम पे ओपन होता है, ठीक है। इसमें ग्रीनिश वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और ये एवरग्रीन होता है और सोलेनिसी फैमिली होती है इसके, ठीक है। तो ऑप्शन इसकी ए आ जानी है 51st की। 52 क्वेश्चन है, ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स आर यूज्ड फॉर, के जो रूट्स के ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होती हैं वो किस काम आते हैं, क्या करते हैं। अभी ट्राइकोम्स क्या होता है, देखो जो रूट के ऊपर जो हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक यूनिसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम, ठीक है। ट्राइकोम जो होता है ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के काम आता है, क्योंकि रूट हेयर जैसा ही काम करता है। तो रूट हेयर का क्या काम होता है, वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स की, रूट्स की। तो एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ट्रांसपिरेशन के कोई भी नहीं, तो ऑप्शन आनी है हमारी 52 की, ऑप्शन ही आ जाएगी कि एब्जॉर्प्शन करता है। फिर 53rd क्वेश्चन है, द लीफ हैविंग द स्टोमेटा ऑन द बोथ साइड्स इज नोन एज, कि वो लीफ जिसमें कि लीफ में स्टोमेटा ऊपर वाले साइड पे भी है और जो स्टोमेटा है वो नीचे वाले साइड पे भी है, ठीक है, दोनों साइड पे, उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फीस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक, या ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आना है इसका। तो जो स्टोमेटा होते हैं जो दोनों साइड पे हैं लीफ के, वो उनको हम बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक, ठीक है। तो 53rd की ऑप्शन ये आ जानी है कि ये एम्फीस्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। फिर है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इन द प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड बाय, कि प्लांट में इवेपोरेशन जो है, वाटर लॉस जो है, वो कैसे रुक सकता है ना, इवेपोरेट होने से वाटर कैसे रुक सकता है, किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट, एपिडर्मिस, क्यूटिकल, गार्ड सेल्स, किस स्वेटिक ग्लैंड की हेल्प से। तो देखो जो इवेपोरेशन है वो क्यूटिकल की वजह से रुक सकती है, क्योंकि जो वैक्स जैसी लेयर बन जाती है ना ऊपर लीफ वगैरह के ऊपर, जो वैक्स जैसी लेयर बन जाती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल, और ये क्यूटिन से बनती है, ठीक है। और जैसे वाटर के ऊपर ऑयल हो आ जाए तो वो मतलब ऊपर से कवर करके रखता है उसको, लेयर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, तो सेम क्यूटिकल भी ऐसे लेयर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है और इवेपोरेशन नहीं होने देती। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन है,
टॉल पिलर लाइक मेसोफाइल सेल्स प्रेजेंट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में इस तरह से लेयर की फॉर्म में इस तरह से कहते हैं जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को टॉल और पिलर लाइक सेल्स है, इनको हम क्या बोलते हैं? पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा होते हैं, कि कोई भी नहीं है इसकी ऑप्शन। तो 55 में ये है, पैलिसेड सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, ऑप्शन ए। 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हेल्प इन द रोलिंग ऑफ द लीव्स इन ड्राई वेदर, कि ड्राई वेदर हो जब, ठीक है, गर्मी ज़्यादा हो उस टाइम पे ड्राई वेदर में जो लीव्स हैं उनको रोल होने के लिए कौन से सेल हेल्प करते हैं? बुलिफॉर्म सेल्स, गार्ड सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स के कोई भी नहीं ऊपर से, तो इसमें हेल्प करते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये जो जो लीफ होती है ना, लीफ की जो मिड वेन होती है, ठीक है, लीफ की मिड वेन के आसपास ये कई सारे सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मोनोकोट प्लांट वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर होते हैं, एपिडर्मिस वाला जो सरफेस होता है उसके पास ही। तो ये जब प्लांट में वाटर कंटेंट, मतलब जब लीफ वगैरह वाले एरिया में पानी की कमी होती है, तो उस टाइम पे वाटर की कमी के कारण, वाटर लूज़ होने के कारण ये मतलब अपना वाटर इनका लूज़ हो जाता है, तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं। तो इस रिस्पॉन्ड में ये फ्लैसिड हो जाते हैं, तो वाटर कंटेंट और कम हो जाएगा, तो इसलिए जो लीफ है वो रोल होनी शुरू हो जाती है, ताकि और ज़्यादा वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है, मिनिमम लॉस हो पाए वाटर का। तो उस काम के लिए ये बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो लीफ को रोल करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस और एरिया होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपिरेशन वगैरह होगी और वाटर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये लीफ रोल हो जाएगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगी, इसलिए ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ई आगी। फिर है बुलिफॉर्म सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, मेसोफाइल सेल्स, कॉलेनकाइमा सेल्स बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा सॉरी, मोटर सेल्स या गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो जो बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं इनको हम मोटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। मोटर सेल्स जो हैं ये सेम वही पीछे वाला क्वेश्चन के क्या करती हैं, जो वाटर लॉस होने से बचाती हैं, मतलब वाटर लॉस होने को कम कर देते हैं लीफ को रोल करके, और अनरोल करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आ यानी सी। फिर है पैलिसेड टिश्यू अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं वो लीफ के कौन से सरफेस पे होते हैं? एडेक्सियल सरफेस पे, एबैक्सियल पे, एडेक्सियल और एबैक्सियल दोनों पे, कि किसी पे भी नहीं होते? तो जो पैलिसेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये होते हैं एपिडर्मिस ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं एडेक्सियल, इसको बोलते हैं एडेक्सियल। तो ऑप्शन ये आ जानी है। 59 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लावर, के कौन सा जो है वो फ्लावर नहीं है? शू फ्लावर, सनफ्लावर, लार्क्सपर के वाटर लिली। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, जो सनफ्लावर है ये जो है ये प्रॉपर फ्लावर नहीं है, ट्रू फ्लावर जैसे इसके करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, मतलब जैसे हमने पढ़ा कि इसकी जो कैपिचुलम इसकी इन्फ्लोरसेंस होती है और इसमें ये कई सारे मतलब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, मतलब कई सारे जो हैं ये इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, और सेसाइल फ्लावर होते हैं ये सारे, ठीक है, डेंस इन्फ्लोरसेंस फॉर्म में। तो मैरीगोल्ड हो गया चाहे सनफ्लावर हो गया, ये दोनों ही जो हैं ये जो हैं ये प्रॉपर फ्लावर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्या होती है, कैपिचुलम इन्फ्लोरसेंस होती है इनकी, और ऑप्शन बी आ रहा है यहाँ पे। न्यूमेटोफोर्स पोजेस, न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, स्टोमेटा, वाटर पोर्स होते हैं, लेंटिसल्स होते हैं और रूट हेयर्स होते हैं। देखो न्यूमेटोफोर्स का क्या फंक्शन है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो मतलब इनके अंदर लेंटिसल्स होते हैं, ठीक है, तो इसकी ऑप्शन आनी है 60th की, ऑप्शन सी, ठीक है, कि मतलब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये मतलब वाटर सरफेस के ऊपर इस तरह से ग्रो कर जाती हैं न्यूमेटोफोर्स, और ये क्या करते हैं, इनमें कुछ ऐसे मतलब सेल्स होते हैं जो कि ओपनिंग्स होती हैं, सॉरी, जिनमें के एयर एंटर करती है रेस्पिरेशन के लिए, और स्पॉन्जी टिश्यू से होते हुए जो नीचे रूट वाला सरफेस होता है जो मड वाले एरिया में है जैसे, तो उसके वहाँ तक जाती है, तो इसीलिए न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं इनमें लेंटिसल्स होते हैं, ऑप्शन सी। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, कि कौन सा सा हार्मोन है, PGR है, जिसकी हेल्प से जो फ्रूट वगैरह या लीफ वगैरह जल्दी गिर जाते हैं तो उसको बचाया जा सकता है। गिबरलिक एसिड, जिसको जिबरलिक एसिड भी बोलते हैं, साइटोकाइन, इथाइलिन और ऑक्सिन। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, ऑक्सिन जो होते हैं उसकी वजह से जो फ्रूट या लीफ ड्रॉप होते हैं उनको रोका जा सकता है, मतलब फ्लावर लीफ या फ्रूट जो होते हैं उनको पहले ही गिरने से पहले अर्ली स्टेज में ही रोका जा सकता है, कि वो मतलब
बिना राइप किए वैसे ही ना गिर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बटरस रूट्स आर, बटरस रूट्स क्या होती हैं? फ्लैशी होती हैं, अंडरग्राउंड है, एक्वाटिक की हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो बटरस रूट होती हैं ये हॉरिजॉन्टल होती हैं, इसके आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ द सकलेंट रूट्स, सकलेंट रूट्स जो हैं वो किन में होती हैं? ओपंशिया में, एगावा में, एग्वे में, एलॉय में, के एस्परेगस में। तो सकलेंट रूट्स जो होती हैं ये एस्परेगस में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये फ्लैशी होती हैं, ठीक है। तो फ्लैशी मतलब होती हैं, फूड स्टोर करने के काम आती हैं, फूड स्टोर हो जाता है इनमें सकलेंट रूट में, तो ये होती हैं एस्परेगस में। नेक्स्ट है मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज़ फाउंड इन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में पाई जाती है? तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन जो है वो इस तरह से होती है, जैसे पी है, पी में, पी मतलब मटर में, इस तरह से होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो ये सोलेनिसी में है, क्रूसीफेरियसी, फैबियसी और लेग्यूमिनोसी में है, एस्ट्रेसी और कंपोजिट में है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, ठीक है, क्रूसीफेरियसी। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, फैबियसी या लेग्यूमिनोसी में होती है। जैसे पी वगैरह हैं तो पी में जो वो लेग्यूम या में आते हैं, तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, द फ्लोटिंग लेवल लीफ प्लांट स्टोमेटा अकरॉन के, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं मतलब वो प्लांट जिसमें के जो लीव्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर, ठीक है। तो मतलब जो रूट्स होती हैं वो वाटर में और वाटर सरफेस के ऊपर लीव्स होती हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं लीफ के में, स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? लोअर सरफेस में, अपर सरफेस में, दोनों के ऊपर, दोनों में होते हैं या होते ही नहीं हैं? तो जो लीफ फ्लोटिंग लीफ प्लांट होते हैं इन, ये हाइड्रोफाइट होते हैं और इनमें जो रूट है वो सॉयल में होती है और जो लीव्स होती हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर होती हैं। तो इसमें स्टोमेटा भी फिर कहाँ पे हुए? स्टोमेटा अपर सरफेस पे होते हैं, तो ऑप्शन बी आ जानी है।